जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक्स ये वाली जो पोलिनोमियल है एंड क्यू एक्स ये वाली दो पोलिनोमियल है। लीव द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर दोनों का सेम आएगा, जो इसका आएगा वो इसका, दोनों का इक्वल होगा। व्हेन डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड किस पे करना है, इन दोनों को एक्स माइनस थ्री पे। यानी ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि ये पी एक्स क्यू एक्स डिवाइजर दोनों का सेम है एक्स माइनस थ्री, यानी इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा इधर से भी सेम उधर से भी, यानी दोनों का रिमाइंडर इक्वल होगा। तो आपने फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो आप रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करके, तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि रफ वर्क में एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो लेके, तो एक्स की वैल्यू थ्री आ गई। ये एक्स की वैल्यू थ्री आप पी एक्स में भी और इधर से क्यू एक्स में भी पुट करें, तो लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों में, इधर इधर और इधर पुट करते हैं जी। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर ली, अब रिमाइंडर फाइंड करेंगे, मीन के रिमाइंडर तो इधर से आ रहा है ना, वो फाइंड करना है। तो ये बनेगा थ्री की पावर थ्री 27, 27 के आ गया, और थ्री की पावर टू 9, 9 फोर ज़ार 36 आ गया, और ये बन जाएगा 9, 3 थ्री ज़ार 9 माइनस 4, और इधर से रिमाइंडर आपका आएगा थ्री की पावर थ्री कितना बन गया 27 माइनस 3 फोर ज़ार 12 प्लस के, तो इधर से आया 27 के, इन दोनों को ऐड किया तो 45 माइनस 4 किया तो प्लस 41 आ गया। इधर से रिमाइंडर आपका आएगा 27 माइनस 12 तो 15 आगे प्लस के। तो अब रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एज रिमाइंडर इज सेम, सो ये और ये दोनों इक्वल लिख लें तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये के पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 27 के माइनस 1 के, और ये 41 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 15 माइनस 41, तो इधर से आ जाएगा 26 के, उधर से माइनस 26। तो अब आप ये के इधर रहने दीजिए, ये माइनस 26 ओवर 26 लिखा तो आंसर आ गया नेगेटिव 1। तो ये के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई माइनस 1।